हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ है टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म भाई इंडियन फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या है है ना तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है सत्यजित रे ठीक है सत्यजित रे जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारी इंडियन फिल्म्स हैं जो अभी फिल्म्स बन रही हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये मैं तुम्हें ओवरव्यू के थ्रू नहीं समझाने वाली हूँ ये मैं तुम्हें चैप्टर के थ्रू ही समझाऊंगी आज कि भाई असल में प्रॉब्लम है क्या है ना तो पहले तो ऑथर का नाम जान लो जरूरी होता है सत्यजीत रे जो है इसके ऑथर हैं और इन्होंने मतलब एक तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की इस चैप्टर में कि इनको फिल्म से क्या दिक्कत है इनको फिल्म से क्या प्रॉब्लम है या फिल्म जो है वो क्यों सही नहीं है है ना तो ये सारी जो बातें हैं वो हम इस चैप्टर के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे तो विदाउट अडू लेट्स गेट 1921 वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया सत्यजीत रे जो हैं वो कब पैदा हुए थे मई मतलब सेकंड मई 1921 को है ना तब वो पैदा हुए थे बहुत वेल नोन क्या है फिल्म डायरेक्टर थे वो ही earned इंटरनेशनल recognition फॉर his टैलेंट in फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन तो उनको क्या था देखो जब वो फिल्म बनाते थे तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाते थे और उनको उसके लिए जो है काफ़ी रिकोगनीशन भी मिला है है ना काफ़ी उनको जो है अवार्ड्स भी मिले हैं और उनको काफ़ी जाना भी गया है इंटरनेशनली भी यहाँ से बाहर भी है ना इंडिया के बाहर भी बेस्ट नोन फॉर इज पत्थर पंचली अपर जर तो चारूलता एंड शतरंज के खिलाड़ी ही हीशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिसंग्स एंड बर्लिन ठीक है अब यहाँ पे देखो इस चीज को देखना ठीक है तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई उनकी जो है कुछ मूवीज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं चारूलता शतरंज के खिलाड़ी और भी मूवीज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इन मूवीज को इंडिया के अलावा इंटरनेशनली भी काफी प्रशंसा की गई है इनकी और इनके लिए उनको अवार्ड भी मिले हैं है ना तो पहले की जो मूवीज थी वो ऐसी की जो सबसे बड़ी थी वो जब हम अभी ना तो उसमें कोई सभ्यता है ना ही कोई पहले से प्लान करके बस जो है वो बना दिया जाता है और गाने भी उल्टे सीधे बना दिए जाते हैं तो वो फिल्म जो है उनको रिकोग्निशन भी नहीं मिलता तो यही सारी बातें जो है आज हम इनकी सुनेंगे और इस चैप्टर में जानेंगे ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया है ना रे यूज़ टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स ठीक है आप सत्यजीत रे सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे वो जो भी मतलब फिल्म्स में जो भी म्यूजिक लगाते थे ना वो भी वो खुद ही कंपोज करते थे खुद ही बनाते थे ही वाज आल्सो अ स्टोरी राइटर इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर उसके अलावा वो स्टोरी राइटर भी थे कहानियां भी लिखते थे उन्हें इलस्ट्रेट भी करते थे और जो बुक है उसका उसको डिज़ाइन भी कर लेते थे ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हेम एन ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। ठीक है उनको मतलब एक बाई ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री जो है उनके ऊपर दी गई भी है है ना जो काफ़ी कम लोगों को ही होता है ऐसा नसीब कि मिले in the present essay taken from his book our films their films he examines the nature of our films and points out their defects ठीक है तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना वो भी क्या एक छोटा सा excerpt है है ना excerpt है excerpt. ठीक है excerpt का मतलब होता है टुकड़ा ठीक है तो वो एक्सेप्ट जो है वो कहाँ से है उनकी बुक है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स ठीक है आ फिल्म देअ फिल्म ठीक है ये एक उनकी बुक है जिसमें से हम जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो चैप्टर हमने पढ़ा है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स ये किसका टुकड़ा है तो तुम क्या बोलोगे कि भाई ये सत्यजीत रे की एक बुक है जिसका नाम है आर फिल्म देअर फिल्म उसमें से लिया गया एक एक्सर्प्ट एक है क्लियर हो गया ये और उस बुक में उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि भाई जो आज की जो मूवीज बन रही है उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं He is extremely critical of the quality of our फिल्म मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट ठीक है वो जो है ना मतलब काफी मतलब है ना क्या बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत इस चीज को लेकर गुस्सा है या बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना क्रिटिकल को हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गंभीर है सीरियस है है ना इस बात को लेकर कि भाई जो अभी जो फिल्म बन रही है ना ना तो उनमें कोई क्वालिटी है है ना ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी है मेकिंग की और ना ही डायरेक्शन अच्छा है ना ही जो फिल्म का कंटेंट है वो अच्छा है मतलब कहने का मतलब है ना तो स्टोरी अच्छी है ना म्यूज़िक अच्छा है ना डायलॉग्स अच्छे हैं है ना और जो जिस तरीके से बन रही है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है क्या तो का, वो क्या था डेवलपमेंट था सिनेमा का तो पहले क्या था भाई एक पूरी सेंचुरी ऐसा था कि मैकेनिकल टॉय था है ना? फिर सेंचुरी कैसे है आर्ट फॉर्म में ज्यादा चीजें रहने लगी टू सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन और अभी जो तो सिनेमा है ना उसमें क्या है बताओ क्या बोल रहा है वो सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कोई मतलब एक्सप्रेशन वगैरह भी समझ नहीं आता इट कम्बाइन इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोइट्री म्यूजिक पेंटिंग ड्रामा आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर अब भाई एक जब मूवी बनती है एक फिल्म बनती है तो उसमें हर चीज होती है, है ना हर चीज को का एक कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या क्या होता है भाई पोइट्री होती है म्यूजिक होता है पेंटिंग्स होती हैं ड्रामा हो गया आर्किटेक्चर हो गया और भी छोटी मोटी आर्ट की चीज़ें होती हैं इट आल्सो कम्बाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस ठीक है कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर मतलब कोल्ड लॉजिक का बेसिकली मतलब होता है कि जो ह्यूमन फैक्टर्स है ना जैसे कल्चर हो गया या जो भी है ना चीज़ें उनको इग्नोर कर देना है ना उनको ध्यान में ही ना रखना तो वो कहलाता है आपका कोल्ड लॉजिक इंडिया टू का फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अच्छा यहाँ पे कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस क्यों बोला गया है क्योंकि अगर आप साइंस के बेसिस पे बात करो ना तो साइंस के बेसिस पे क्या होता है भाई मरा हुआ इंसान ज़िंदा नहीं हो सकता है ना लेकिन मूवीज़ में क्या होता है मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो जाता है या फिर और भी ऐसी चीज़ें हैं चाहे आप डायनमिक्स ले लो या बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल अलग बताई है जाती हैं जो साइंस के लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है तो यहाँ पे कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस क्या हुआ कि भाई साइंस जो है रियलिटी में उसी को इग्नोर कर दिया जाता है बिल्कुल इंडिया टू का फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली द फिल्म द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 ओ सेवन एंड द फर्स्ट फीचर इन नाइनटीन ठीक है इंडिया ने जो है काफ़ी जल्दी फिल्म प्रोडक्शन ले लिया था संभाल लिया था तो जो पहली शॉर्ट फिल्म थी वो कब बनी थी 1907 में और जो पहली फीचर हुई थी वो कब हुई थी 1913 में ये ध्यान रखना ये वाला पॉइंट ठीक है

बस सेकंड पे ही है अगर हॉलीवुड फर्स्ट है तो सेकंड पे इंडिया है क्वांटिटेटिवली है ना मतलब सिर्फ कमाई और बिजनेस वगैरह के रूप में है ना और ये सिर्फ एक स्टैटिकल फैक्ट है बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी लेकिन क्या क्वालिटी के लिए भी सही सा, सा, बात बोली जा सकती है तुमने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज आर वे बेटर देन आर मूवीज राइट हर चीज में चाहे टेक्नोलॉजी वाली बात कर लो चाहे एक्शन बात कर लो चाहे जो भी उसमें और जो भी uh, क्या बोलते हैं वी वगैरह यूज होते हैं किसी भी चीज़ की बात कर लो हॉलीवुड की क्वालिटीज लाइक like, है ना अलग अलग ही ही लेवल है आर नॉट शोन अब्रॉड क्यों हमारी जो मूवीज वो बाहर नहीं दिखाई जाती हॉलीवुड मूवीज भी तो यहाँ दिखाई जाती हैं हम तो देखते हैं क्यों ऐसा है कि हमारी जो इंडिया की जो मूवीज बनती हैं वो बाहर नहीं दिखाई जाती इट इज सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट क्या ये सिर्फ इसलिए है कि भाई इंडिया जो है वो सिर्फ खुद ही के प्रोडक्ट के लिए ही मार्केट रखता है खुद ही ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं बस उसके लिए ही मार्केट है और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आर फिल्म्स और या फिर हम बस सीधे सीधे जो हैं अपनी फिल्म्स को लेकर जो है शर्म मतलब शर्म आ रही है हमें ना कि अच्छी नहीं है मूवीज फेमिलियर विद द द रिलेटिव ऑफ बेस्ट इंडियन आंसर मस्ट कम ईजी ठीक है अब अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो फेमिलियर है इस चीज से कि भाई जो फॉरेन फिल्म्स और इंडियन फिल्म्स बन रही है उनका जो स्टैंडर्ड है तो तुम्हें आंसर अपने आप मिल जाएगा कि भाई सही रीजन क्या है कि अब्रॉड में जो है इंडियन मूवीज शो नहीं की जाती लेटर्स फेस द ट्रूथ अब भाई जो सच्चाई है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा देयर हैज गेट बी नो इंडियन फिल्म ठीक है ऐसी कोई भी इंडियन मूवी नहीं है जो क्या हो जिसको मतलब प्रशंसा मिले हर चीज के बेसिस पे है ना हर चीज के बेसिस पे अदर कंट्रीज है अब हर कंट्री ने जो है सब चीजें अचीव कर रखी है हमने भी की है लेकिन पूरी ऑनेस्टी उसमें हमने नहीं दिखाई है ईमानदारी नहीं दिखाई है नो डाउट दिस लैक ऑफ मेच्योरिटी कैन बी attributed टू सेवरल फैक्टर्स अब ठीक है भाई कोई अब यहाँ पे ना देखो क्या होगा यहाँ पे सार्काइज्म है ना यहाँ पे सार्कास्टिक वे में बात हुई है कोई शक नहीं है ना कि भाई अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया है है ना तो यहाँ पे देखो साकास्टिक वे में बात हो रही है द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस तो यहाँ पे जो बात है वो इस तरीके से हो रही है है ना कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बोलेंगे कि भाई ये नहीं था दैट सॉर्ट ऑफ थिंग डज नॉट वर्क आउट है ना इस तरीके से बोलेंगे जो टेक्नीशियंस हैं वो भाई जो सारी बात है वो जो है वो टूल्स पे ब्लेम डाल देंगे कि हमारे पास तो इतनी वो ही नहीं है डेवलपमेंट ही नहीं है इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है है ना और जो प्रोड्यूसर है वो बोलेगा मेरे पास बहुत सॉरी uh, जो डायरेक्टर बोलेगा मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है लेकिन बस यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जो मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी मूवीज में

तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई इन इंडिया ये देखा जा सकता है दिखता है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना किसी भी एक अच्छी ड्रामेटिक पैटर्न का वो पूरा ही जो है मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है उसको गलत ही समझा जा, जा रहा है ना अब क्या होता है ये चीज क्यों हो रही है बाय क्यूर प्रोसेस अजीब रीजनिंग मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो चीज़ चाहिए उसकी जगह कुछ और डाल देते हैं और फिर ना जो एक्शन है उसकी जगह मेलोड्रामा डाल देंगे ऐसे करके वो पूरा मिसअंडरस्टूड ही कर देते हैं सारा का जो भी होता है उनका मतलब जो असाइनमेंट है वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है यहाँ पर और हर चीज जो है वो किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी अजीब प्रोसेस से खराब कर दी जाती है और जो एनोलॉजी है विद म्यूजिक है ना एनोलॉजी का मतलब क्या हुआ एनोलॉजी का मतलब हुआ यहाँ पर कि भाई उसको क्या है जो समानता है दो चीजों में है ना जब म्यूजिक में अगर हम समानता करें तो हमारे केस में वो चीज फेल हो जाती है क्यों फेल हो जाती है भाई क्योंकि उसमें जो है सुधार की जरूरत है है ना सुधार की बहुत जरूरत है है ना इसलिए समझ आया यहाँ तक है ना क्यों क्योंकि जो म्यूजिक है वो कैसा है इम्प्रोवाइजेशनल है तो इम्प्रोवाइजेशनल में क्या है मतलब भाई कुछ प्लान नहीं करा कुछ रिहर्स नहीं करा और डायरेक्ट जो है बस जो बना बना दिया इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट पेंचेंट फॉर कॉन्वल्यूशन ऑफ प्लॉट एनकाउंटर प्लॉट रादर दैन सिंपल एंड यूनिडायरेक्शनल नरेटिव है तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई इम्प्रोवाइजेशनल है इम्प्रोवाइजेशनल है तो कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन है उसको जो है अच्छे से प्लानिंग नहीं की गई है यहाँ पे कभी कभी तो कोई शूटिंग स्क्रिप्ट ही नहीं होती है है ना और दूसरी बात क्या बोल दी गई है यहाँ पे कि कोई मतलब लगन ही नहीं है ना कोई लगन ही नहीं है चीज़ों को लेकर है ना पेंचेंट लगन The practice of sandwiching musical numbers in the most unlyrical situations, the habit of shooting indoors in a country which is all landscape. ठीक है तो यहाँ पे क्या बात बोलिए कि भाई एक तो हर उसमें गाने लगा देते हैं और गाने लगाते हैं तो वो उनके जो है लिरिक्स मैच नहीं कर रहे होते कुछ भी गाने बन रहे हैं आजकल फिर दूसरी बात जो तो शूटिंग है वो सारी इंडोर हो रही जबकि इंडिया में इतना खूबसूरत है सब कुछ सब चीज़ें इतने मतलब पूरा इंडिया जो है वो परिदृश्य ही है एक तरीके से है ना तो भी इंडोर शूटिंग करी जा रही है एंड एट अ टाइम वेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन ऑल दिस स्टैंड इन द वे ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल और अब ऐसे टाइम में जहाँ पर दूसरी कंट्री जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हैं और इंस्पिरेशंस ला रही हैं सबके लिए इंडिया का कुछ अलग ही हाल है देयर हैव बीन रेयर ग्लिंपसेस ऑफ एन एनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रीसेंट फिल्म्स ठीक है वो यहाँ पर एक बात ये बोलते हैं कि भाई अभी जो कुछ रीसेंट फिल्म्स निकली हैं उसमें किसी में भी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी कोई एनलाइटेंड अप्रोच नहीं थी कि भाई जो है आप जागरूक करो किसी को या कुछ उसमें अच्छा बताओ ऐसी कोई अप्रोच मुझे तो नहीं दिखी आई पी टी एस धरती के लाल इज एन इंस्टांस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस ठीक है अब यहाँ पे एक वो मूवी की बात कर रहे हैं धरती के लाल आईपीटीएस की तरफ से मूवी है है ना इंडियन समथिंग है ये मैं बता दूंगी तुम्हें है ना फिर ये जो एक मूवी है ये ऐसी थी कि हाँ भाई जिसमें एक अच्छा थीम भी था अच्छा स्टाइल भी था ऑनेस्टी भी थी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी था शंकर कल्पना एंड आन... इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज़ अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड आई रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन फिर वो एक और मूवी की बात कर रहे हैं ना शंकर की शंकर कोई प्रोड्यूसर हैं उनकी मूवी है कल्पना जो भी मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था जिसने फिल्मिक मूवमेंट भी दिखाया और जो ट्रेडिशन है उसकी रेस्पेक्ट भी बना कर रखी मतलब अच्छी थी वो मूवी है ना द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इट्सल्फ भाई जो रॉ मटीरियल जो कच्चा सामान लगता है ना किसी भी मूवी के लिए किसी भी सिनेमा के लिए वो खुद लाइफ है लाइफ ही है जिससे तुम कोई मूवी बना सकते हो इट इज़ इनक्रेडिबल डैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकरस मतलब ये वाली बात है ना बहुत सोचने वाली बात है आश्चर्यजनक बात है कि यार इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ से इतना अच्छा अच्छा आर्ट निकला है इतना अच्छी अच्छी पोइटरीज निकली है सब निकला है तो वो चीज़ कैसे जो है हेल्प नहीं कर रही है इन फिल्म मेकर्स को अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए है ना मूव क्यों नहीं कर पा रही है ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आईज़ ओपन एंड हिज ईयरस लेट हिम डू सो ठीक है उसे बस अपनी आंखें और कान ही तो खुले रखने और भाई वो कोई अच्छी मूवी बना लेगा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वो इस तरीके से जो है डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं है ना तो यहाँ जो तुम्हारा चैप्टर है वो क्लियर हो गया है तुम्हें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी तो यहाँ पे तुमने देखा और अभी भी हम देखें तो मूवीज़ जो हैं नो डाउट बन रही हैं आप डॉक्टर जी जो सत्यजीत रे उन्होंने जिस टाइम की बात की होगी उस टाइम जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा होगा लेकिन अभी के टाइम में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत है कि डॉक्यूमेंट्रीज बनने लग गई है लेकिन अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो आपको पता है कि सॉन्ग्स कैसे बन रहे हैं कोई लिरिक्स मैच नहीं होती कुछ नहीं होती और ज्यादातर मूवीज भी जो है वो ऐसी बनती हैं जिसमें कोई मतलब स्टोरी नहीं होती अच्छी कोई साउंड अच्छा नहीं है म्यूजिक अच्छा नहीं है क्वालिटी अच्छी नहीं है डायलॉग्स अच्छे नहीं है।, है ना तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है बस कुछ कुछ मूवीज हैं जो ऐसी अच्छी निकल कर आ जाती हैं जिनको इंटरनेशनली जो है प्रशंसा भी मिल जाती है बाकी कोई मूवी ऐसी नहीं है इंडिया की जिसको इतना कोई प्रेज मिलता हो है ना तो ये जो क्लास है यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव डे